मॉर्निंग दोस्तों, चलिए बनाते हैं आज घर में सबके पसंद का ब्रेकफास्ट। तो चलिए, हमने यहाँ लिया है एक कटोरी पास्ता, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया है जिसको मैंने गर्म करने रख दिया है। इसमें ऐड किया है मैंने एक स्पून नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसके बाद मैंने इसमें डाला है एक चम्मच सरसों का तेल और इसके अंदर मैंने डाल दिया है पास्ता। पास्ता डालने के बाद एक बार अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दूंगी जिससे ये नीचे चिपके ना, और इसको थोड़ा सा हम बॉयल होने देंगे। और इसमें डाल दिया है मैंने एक छोटी कटोरी मटर। आप चाहें तो डालें और ना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। मिक्स करने के बाद चलिए काट लेते हैं हमें अपनी वेजिटेबल्स जो हमें ऐड करनी है। ऐसा नहीं है आपको ये नहीं डालना या वो, जो आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पत्ता गोभी लिया है जिसको मैंने बिल्कुल पतला पतला सा काट लिया है। इसके साथ ही मैंने लिए एक शिमला मिर्च, इसको भी मैं बहुत पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियाँ जैसे गाजर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा पास्ता कुक हो चुका है, इसको हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए इजीली ये कट रहा है, देखो मैंने इसको प्रेस करके देखा है तो ये पक चुका है। चलिए मैं निकाल लेती हूँ अपनी पास्ता को, और ऊपर से इसमें ठंडा पानी डालना बहुत ज़रूरी है वरना ये चिपक जाता है। और यहाँ मैंने एक कढ़ाई में लिया है दो चम्मच घी, और इसमें ऐड की है मैंने हाफ स्पून राई एंड एक मैंने इसमें हरी मिर्च डाली हुई है। बाकी की जो सब्जियाँ थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और इनको हम अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। हमें ये सब्जियाँ सिर्फ 50% कुक करनी है, उससे ज़्यादा हमें इन्हें नहीं करना है। और इसके साथ मैं इसमें डाल दूँगी आधा चम्मच नमक, जिससे हमारी सब्जियाँ जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी। इसी तरीके से चलाते हुए इसको पकाएंगे दो मिनट के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है हाफ स्पून काली मिर्च, और इसी को हम इस तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा सा और पका लेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद ये हमारी सब्जियाँ अच्छे से कुक हो गई हैं। इसके बाद मैंने इसमें मिक्स कर दिया है पास्ता। अगर आप लोग सॉस वगैरह ना पसंद करते हो तो आप इसको इतना ही डन करके खा सकते हैं। और इसको और यम्मी बनाना है तो यहाँ हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच मैंने डाला है इसमें सॉस टमाटो केचप का, और हाफ एक चौथाई चम्मच मैंने इसमें डाला है सोया सॉस। इसके साथ ही मैंने इसमें एक चम्मच डाला है चिल्ली सॉस। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं ज़्यादा चटपटा, अगर आपको बच्चों के लिए बना रहे हैं तो, नहीं तो आप बड़ों के लिए बन रहा है तो आप इसमें ज़रूर डालें। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे वरना हमारा पास्ता टूटने लगेगा। और ये देखिए ये हो गया है हमारा पास्ता रेडी, और सभी फैमिली को खिलाएं और वीडियो को पूरा देखें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा सभी को।